आज यहां पर बीएड और एमएड का प्रशिक्षण चल रहा है। भारत के अंदर भी शिक्षकों की बड़ी मांग है और भारत से भी ज्यादा मांग दुनिया के अंदर है। आपके सामान्य पाठ्यक्रम के साथ आपके पास डिग्री आपको मिल जाती है, डिग्री मिलने के बाद आपका एक प्रशिक्षण भी होता है, लेकिन क्या आप इस बात को चिन्हित करेंगे संस्थान अपने यहां कोई एक ऐसा सेल्फ डेवलप करेगा जहां पर हम देख सकेंगे कि दुनिया के अंदर किन किन देशों में किस किस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है और फिर उस संबंधित देश की भाषा का एक प्रशिक्षण। अगर आप देखेंगे बहुत आसान है, हर एक दुनिया की किसी भी भाषा को आप देखेंगे वह बहुत आसान है। एक बार आप करेंगे 3 महीने के अंदर आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। आप उसका एक बार प्रशिक्षण ले लेंगे तो आप जो डिग्री आपके पास यहां पर है ये डिग्री आपके लिए दुनिया के अंदर कहीं भी उपयोगी हो सकती है, बशर्ते आपने अपने को उसके लिए तैयार किया। हम दुनिया के अंदर शिक्षक भी निर्यात कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। आज के दिन पर ये दुनिया की ताकत तो इस पर निर्भर करती है कि आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। अलग विषय है, युद्ध हमेशा नहीं होते हैं, हर देश अपने अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारी करता है, सामरिक तैयारी उसके अनुसार होती है, लेकिन ताकत का अंदाजा किसी का लगाना है तो वह आपके एक्सपोर्ट की क्षमता क्या है और उस एक्सपोर्ट की क्षमता के आधार पर आपका आगमन दुनिया करती है। और भारत सबसे अधिक युवा वाला देश है और उत्तर प्रदेश भारत के अंदर सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। यानी शिक्षक प्रशिक्षण के केंद्र खुले जा रहा है लेकिन गुणवत्ता में उसी प्रकार की कमी भी आई है और यह इन शिक्षकों को देखना होगा जो खाली शिक्षक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं उनके सामने एक चैलेंज होगा, वे तो इस चीज को देखें। दूसरा, लकीर के फकीर बनने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। हम इन चीजों को अपने से अलग कर लें, भुला दें कि हमें बेसिक शिक्षा परिषद के ही शिक्षक में अपना भाग्य जमाना है। एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। मुझे पिछले 3 वर्ष के दौरान देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, हिमाचल प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक और गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश तक। और मैंने इस बात को महसूस किया है, आज से 30 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा केंद्र था शिक्षकों को प्रदेश के बाहर भेजने का। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में शिक्षक उत्तर प्रदेश से जाते, राजस्थान मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से जाते थे, अरुणाचल त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश से जाते थे, असम में उत्तर प्रदेश से जाते थे। देश के ज्यादातर क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश से ही जो योग्य स्नातक थे या जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग ली है वे लोग वहां पर शिक्षक बनकर के गए हैं और एक बड़ी लंबी परंपरा वहां पर आप देख सकते हैं। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा।